जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, नाभिक के रिएक्शन के अंदर एक रिएक्शन जो कि कौन सी, प्रत्यक्ष प्रकीर्णन अभिक्रिया जो होती है, जिसमें क्या होता है, कोई भी नाभिक अगर आपतित कण के साथ में किसी प्रकार की रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, तो आपतित कण बहुत अधिक गति के साथ में क्या होगा, लक्ष्य नाभिक या प्रारंभिक नाभिक के साथ में टक्कर तो करेगा, लेकिन टक्कर के दौरान या फिर इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, प्रारंभिक नाभिक के परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान संख्या के ऊपर कोई भी फर्क न पड़े, तथा साथ में ही क्या हो, आउटपुट के रूप में या उत्पादक के रूप में जो नाभिक मिलता है वो किसके समान हो, प्रारंभिक नाभिक के समान होगा। लेकिन क्या हो जाए अगर जो आपतित कण जिसको हमने क्या किया, नाभिक के ऊपर इंसिडेंट किया या आपतित किया है, वो क्या करे, अभिक्रिया के पश्चात अपनी अगर दिशा को परिवर्तित कर लेता है बिना ऊर्जा के खर्च किए, बिना ऊर्जा को खर्च किए, तो इस अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया बोलेंगे, प्रत्यास प्रकीर्णन अभिक्रिया बोलेंगे। जिसका एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो आप लोगों की फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक रदरफोर्ड का प्रकीर्णन नियम है, वो क्या है, प्रत्यास प्रकीर्णन अभिक्रिया का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके अंदर हम एल्फा कण को क्या करते हैं, नाभिक के ऊपर या फिर किसी स्वर्ण पट्टिका के ऊपर क्या करते हैं, आपतित करते हैं, किसके लिए, नाभिक के अंदर जो उपस्थित कण होते हैं या फिर उसके नाभिकों के प्रॉपर्टी के बारे में पता करने के लिए। तो वो क्या करता है, उसके अंदर उपस्थित आवेश के कारण अल्फा कण क्या हो जाता है, अपने दिशा से परिवर्तित हो जाता है। अब इस कंडीशन के क्या अंदर क्या होता है, अल्फा कण की ऊर्जा के अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर टक्कर के दौरान या अभिक्रिया के दौरान सोने की पट्टी से किसके अल्फा कण की अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, वहां पे अल्फा कण क्या हो रहा है, अपनी दिशा को परिवर्तित कर रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाती है, प्रत्यास प्रकीर्णन अभिक्रिया कहलाती है। अब जो सेकंड अभिक्रिया है वो कैसी अभिक्रिया है, वो है अप्रत्यास प्रकीर्णन अभिक्रिया। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम वही की वही चीज है। इसके अंदर क्या होगा कि यदि हम किसी भी आपतित कण को क्या करेंगे, प्रारंभिक नाभिक या लक्ष्य नाभिक के ऊपर क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो इंसिडेंट के दौरान क्या करता है, वही की वही चीज होगी, नाभिक तो होगा वो तो क्या रहेगा, समान रहेगा। समान कैसे, मतलब जैसे कि मान लो कि मैंने ये कोई एक्स नाभिक है और सॉरी आपतित कण है, इसको कैपिटल एक्स के ऊपर इंसिडेंट किया, आउटपुट के रूप में हमें वापस क्या मिले, एक्स मिले, पर वो किस अवस्था में हो, एक्साइटेड अवस्था में हो, परंतु जो आपतित कण है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डायरेक्शन के अंदर उसका क्या हो ना हो, उसकी कोई भी डायरेक्शन परिवर्तित नहीं हो। कैसे, ऐसे समझिए, जैसे कि मान लो कि मैंने ये एक्स आपतित कण है और ये कैपिटल एक्स, ये कैसा आपका प्रारंभिक नाभिक या लक्ष्य नाभिक होता है। अब ये जो नाभिक जो होता है वो किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में पड़ा है या फिर स्थायी अवस्था के अंदर है, और ये कैसी अवस्था में होता है, गतिशील अवस्था में होता है। ये गतिशील अवस्था में गति करते हुए किस नाभिक से टकराता है, लक्ष्य नाभिक या प्रारंभिक नाभिक से टकराता है, और टकराने के पश्चात ये अपनी एनर्जी किसको प्रदान कर दे, इस नाभिक को, लक्ष्य नाभिक को प्रदान कर देगा। जब ये अपनी एनर्जी इस नाभिक को प्रदान करता है तो ये नाभिक जो होता है या प्रारंभिक नाभिक जो होता है वो किस अवस्था में आ जाता है, इस एनर्जी को ग्रहण करके किस अवस्था में चला जाता है, अपनी उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। उत्तेजित अवस्था से हम ये कह सकते हैं कि उस नाभिक के अंदर उपस्थित जो उसके कण होते हैं वो क्या चले जाते हैं, शून्य ऊर्जा स्तर में न रखे किसी अन्य ऊर्जा स्तर या उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन वो नाभिक क्या आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है वो कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, अप्रत्यास अभिक्रिया या अप्रत्यास प्रकीर्णन अभिक्रिया कहलाएगी। अब इस अभिक्रिया में क्या होगा, ये नाभिक उत्तेजित अवस्था में तो आ जाएगा, लेकिन उसके साथ में क्या कर सकता है, ये अभिक्रिया खत्म होने के बाद में नाभिक वापिस क्या करता है, अपनी मूल अवस्था को प्राप्त करने के लिए उस उत्तेजित ऊर्जा को क्या करता है, गामा किरणों के रूप में क्या कर लेता है, उत्सर्जित कर देता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अप्रत्यास प्रकीर्णन अभिक्रिया में क्या होगा कि जब हम आपतित कण को क्या करते हैं, किसी लक्ष्य नाभिक के ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो इंसिडेंट के दौरान वो क्या करेगा, अपनी या किसी जो नाभिक उससे टकरा रहा है या जो कण उससे टकरा रहा है उससे क्या कर लेता है, ऊर्जा को ग्रहण करके किस अवस्था में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यास प्रकीर्णन अभिक्रिया बोलते हैं। यदि आपतित कण को प्रारंभिक नाभिक पर आपतित
किया जाता है तो यह आपतित कण अपनी कुछ ऊर्जा किसको? प्रारंभिक नाभिक को दे देगा। कल्याण अक्षर बड़े दिख रहे हैं या छोटे? अभी भी और बड़े लिखने से कमेंट में लिख के बता दे। जिससे क्या होता है प्रारंभिक नाभिक? इसका एग्जाम्पल है अब यहाँ पे देखोगे जब हम क्या कर रहे हाइड्रोजन के समस्थानी को किसके ऊपर? लिथियम के ऊपर क्या कर रहे? इंसिडेंट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या कर रहा है? लिथियम इस समस्थानिक से क्या कर लेगा? अपनी एनर्जी को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। एनर्जी को ग्रहण करके ये किस अवस्था में चला जाएगा? उच्च ऊर्जा अवस्था में या उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। अब वापिस अगर ये क्या करता है जब ये रिएक्शन, अब ये रिएक्शन तो कम्प्लीट हो गई लेकिन उसके पश्चात ये लिथियम परमाणु जो होता है ये वापिस अपनी मूल अवस्था को या स्थायी अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है? गामा किरणों का उत्सर्जन करके ये क्या कर सकता है? वापिस अपनी पुराने वाली मूल अवस्था में भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक लास्ट में पॉइंट ये भी लिख देना पास में, बाद उत्तेजित नाभिक अपनी उत्तेजन ऊर्जा को गामा किरणों के रूप में के रूप में उत्सर्जित करता है। ये इस नाभिक की अभिक्रिया के अंदर जो अभिक्रियाओं का प्रकारों के अंदर ये
सेकंड टाइप है इसका, जिसके जिसको हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन अभिक्रिया। अब इसके अंदर लिख लिया इसको बासी गड्ढे दिला के बता दे, ठीक है। थर्ड टाइप है स्ट्रिपिंग रिएक्शन या फिर अनसरण रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होगा कि जैसे ही आपने किसी आपतित कण को क्या किया, आपतित कण है तो वो गतिशील अवस्था में होगा और प्रारंभिक नाभिक है वो किस अवस्था में होता है, स्थिर अवस्था में होता है। जैसे ही आपने आपतित कण को क्या किया, प्रारंभिक नाभिक के ऊपर इंसिडेंट किया, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, प्रारंभिक नाभिक को क्या कर देता है, अपने एक या एक से अधिक न्यूक्लियन को क्या कर देता है, अगर प्रारंभिक नाभिक या लक्ष्य नाभिक को प्रदान कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, अनसरण अभिक्रिया या फिर स्ट्रिपिंग अभिक्रिया। जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्रारंभिक नाभिक जो होता है वो क्या करता है, अपने न्यूक्लियन की संख्या में क्या कर लेता है, वृद्धि करता है, तथा आपतित कण के अंदर न्यूक्लियन की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में जब आपतित कण को किसके ऊपर, प्रारंभिक नाभिक पर क्या किया जाता है, आपतित किया जाता है, तो इन दोनों की आपस में अंतःक्रिया के दौरान क्या होगा, आपतित कण अपने एक या दो न्यूक्लियन को क्या करेगा, एक भी कर सकता है या दो न्यूक्लियन भी कर सकता है, एक या दो में से किसी भी कितनी भी संख्या में वो क्या कर सकता है, अपने न्यूक्लियन को क्या करेगा, वो प्रारंभिक नाभिक को दे देता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऐसी अभिक्रिया अनसरण अभिक्रिया कहलाती है। जिसका एग्जाम्पल है
अब यहां से आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, इसमें से एक न्यूट्रॉन को ग्रहण करके क्या कर रहा है, कॉपर के अंदर आप देखोगे तो क्या हो रही है, न्यूट्रॉन की एक संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या में क्या हो रही है, एक वृद्धि हो रही है, या फिर ये कह सकते हो परमाणु क्रमांक संख्या में, परमाणु द्रव्यमान संख्या में वृद्धि हो रही है, और परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होती है वो किसके, न्यूक्लियोनों की संख्या के योग के बराबर होती है, और यहाँ पे उस संख्या के अंदर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, इसमें से किसी एक न्यूक्लियोन का क्या हो रहा है, आपतित गण में से एक न्यूक्लियोन की कमी हो रही है, या फिर वो अपने एक न्यूक्लियोन को क्या कर रहा है, प्रारंभिक नाभिक या लक्ष्य नाभिक को दान कर देता है। अब इसी के विपरीत एक अभिक्रिया जो होती है वो होती है पिकअप अभिक्रिया, जिसे को अंश ग्रहण अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया में क्या होगा, इसका उल्टा। अब इसमें तो क्या किया कि इसके अंदर तो न्यूट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, अपने एक नाभिक को क्या कर, अपने एक कण को क्या कर रहा है, दान कर रहा है, लेकिन इसकी उल्टी अभिक्रिया जो पिकअप अभिक्रिया, उसमें क्या होगा, जब हम आपतित कण को क्या करेंगे, किसी प्रारंभिक नाभिक या लक्ष्य नाभिक के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तो उस नाभिक से क्या कर लेता है, अपने एक न्यूक्लियन को, एक न्यूक्लियन को क्या कर ले, अगर ग्रहण कर लेता है, तो उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, अंश ग्रहण अभिक्रिया या फिर प्रारंभिक अभिक्रिया। यहाँ पे उसने एक दान किया आपतित कण ने, पर वहीं पर अगर आपतित कण यहीं से एक नाभिक ना इस प्रारंभिक नाभिक से एक न्यूक्लियन को ग्रहण कर लेगा, तो उस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, पिकअप या फिर अंश ग्रहण अभिक्रिया कहेंगे उसको, कैसे वो भी देख लीजिए यहाँ पर। जब आपतित कण को प्रारंभिक नाभिक पर क्या किया जाए, पर आपतित किया जाए, पता है तो आपतित कण प्रारंभिक नाभिक से क्या करता है, न्यूक्लियन को प्रारंभिक नाभिक से न्यूक्लियन को ग्रहण कर लेता है, लेता है तथा अभिक्रिया में नए नाभिक तथा नए कण का क्या हुए, उत्सर्जन हो, तो ऐसी अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अंश ग्रहण अभिक्रिया कहलाती है।
नहीं दिख रहा था बाप सिंह अभी भी। ठीक है, अगली जो अभिक्रिया है वो आप लोगों के वो है फोटो विघटन अभिक्रिया। फोटो विघटन अभिक्रिया जो होती है उसके अनुसार अगर कोई भी नाभिक अभिक्रिया के दौरान क्या करता है, गामा किरणों का क्या करता है, अवशोषण करता है। क्या करेगा अगर हम मान लो कि अभिक्रिया के दौरान क्या कर रहे हैं, गामा कणों को क्या कर रहे हैं, गामा कणों के रूप में क्या कर रहे हैं, किसी नाभिक को क्या कर रहे हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ऊर्जा प्रदान करने के दौरान अगर वो नाभिक उस ऊर्जा को ग्रहण करके किस अवस्था में आ जाएगा, उत्तेजित अवस्था में आ जाए। और उत्तेजित अवस्था के साथ साथ में जब वो नाभिक विघटित हो तो विघटन के दौरान वो क्या करे, अपने में से किसी एक या एक से अधिक न्यूक्लियों को क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को कैसी अभिक्रिया बोलेंगे, फोटो विघटन अभिक्रिया। वापिस से सुनना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रारंभिक नाभिक को के ऊपर गामा किरणों का क्या करने पर, आपतन करने पर वह उससे क्या करता है, ऊर्जा को ग्रहण करके किस अवस्था में आ जाए, उत्तेजित अवस्था में आ जाए। उत्तेजित अवस्था में आने के पश्चात अगर वो अपने में से किसी एक या दो न्यूक्लियॉन को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, अपने में से क्या करता है, एक या दो न्यूक्लियॉन को उत्सर्जित करता है तथा वापिस किस अवस्था में आ जाए, मूल अवस्था में आ जाए। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, फोटो विघटन अभिक्रिया। फोटो विघटन अभिक्रिया में क्या होगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देने के पश्चात वो क्या करे, अपने में से न्यूक्लियॉन को निकाल देता है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी फोटो विघटन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में प्रारंभिक नाभिक द्वारा द्वारा गामा किरणों का प्रारंभिक नाभिक द्वारा गामा किरणों का अवशोषण गामा किरणों का अवशोषण किया जाता है जिससे प्रारंभिक नाभिक उत्तेजित अवस्था में हो या उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है वह इस उत्तेजित अवस्था में क्या करेगा, इस उत्तेजित अवस्था में अपने में से एक या दो न्यूक्लियॉन का उत्सर्जन करता है तो ऐसी अभिक्रिया फोटो विघटन फोटो विघटन अभिक्रिया कहलाती है।
1H2 न्यूट्रॉन क्या करेगा, पहले गामा किरणों को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। अब इसमें देखो, इसमें एक बीच में और रिएक्शन होगी, उसके पश्चात ये दूसरी जो दूसरा उत्पादक पार्ट देख रहे हो वो प्राप्त होगा। उसके अंदर क्या होगा, जैसे ही 1H2 न्यूट्रॉन ने गामा किरणों को अवशोषित किया, वो किस अवस्था में आ जाएगा, स्टार करके हम लिख सकते हैं उसको, उत्तेजित अवस्था में। मूल अवस्था से किस अवस्था में चला गया, उत्तेजित अवस्था में। उसके पश्चात अगर वो क्या कर ले, इस अवस्था में रहते हुए भी क्या कर लेता है, अपने में से क्या करता है, एक न्यूक्लियॉन को प्रोटॉन के रूप में करे भले या न्यूट्रॉन के रूप में करे, अगर एक न्यूक्लियॉन को वो क्या कर लेता है, उत्सर्जित कर लेता है, तो उस कंडीशन के अंदर ऐसी अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया बोलेंगे, फोटो विघटन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन जो है स्वतः विखंडन अभिक्रिया। स्वतः विखंडन अभिक्रिया में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्या करेगा, स्वतः विखंडन अभिक्रिया में कोई भी नाभिक क्या करता है, आपको बताई रही है अभिक्रिया जो स्वतः विखंडन अभिक्रिया है, वो मैंने आप लोगों को जो लास्ट सेकंड यूनिट थी, सेकंड यूनिट के अंत में आप लोगों को स्वतः विखंडन अभिक्रिया बताई थी कि स्वतः विखंडन अभिक्रिया में कौन सी कंडीशन के अंदर नाभिक जो होता है वो क्या होता है, स्थायी अवस्था में आता है। ये वीडियो अगर आपको इस स्वतः विखंडन अभिक्रिया के बारे में, स्थायित्व के बारे में पढ़ना है, तो आप लोगों को जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाला हुआ है उसको देखना पड़ेगा। उसके अंदर मेरे साफ साफ बताए हुए है कि स्वतः विखंडित अभिक्रिया के अंदर अगर कोई भी नाभिक स्वतः विखंडित होता है या फिर विखंडित होता है, तो विखंडन के पश्चात अगर उस नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा के अंदर वृद्धि होती है, और साथ में वो किसका उत्सर्जन करे, अल्फा बीटा तथा गामा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कैसी अभिक्रिया बोलेंगे, स्वतः विखंडन अभिक्रिया। वापिस से सुन लो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें नाभिक द्वारा किसका, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन किया जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को स्वतः विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। तथा ऐसी अभिक्रिया में जो नाभिक इन कणों का उत्सर्जन करता है, तो उत्सर्जन के पश्चात इस विखंडन के अंदर क्या होता है, नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा के अंदर भी क्या होती है, वृद्धि होती है, मतलब उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें नाभिक अल्फा बीटा तथा गामा कणों को क्या करे, उत्सर्जित करे, तो उस अभिक्रिया को ऐसी अभिक्रिया बोलेंगे, स्वतः विखंडन अभिक्रिया कहेंगे। जो बाकी की छह रिएक्शन हो चुकी है, छह के बाद में आप लोगों के इसके अंदर बचती है चार टाइप की रिएक्शन और है। एक तो है कंपाउंड रिएक्शन, एक हैवी आयन रिएक्शन, और उसके बाद में जो नॉर्मली जो फोर्थ यूनिट के अंदर आती है विखंडन अभिक्रिया तथा संलयन अभिक्रिया, उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं अनम्यूट कर रहा हूं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लेना, ठीक है ना। अपने आप ही अनम्यूट हो सकते हो, लेकिन बोलना एक एक, सभी साथ में मत बोलना, और कुछ नहीं। हाँ बात सिंह, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अभी दो दिन तक जो चलेगा, अभी ये अपने टॉपिक ये पूरा थ्योरी के ऊपर ही है, जो ये नाभिकीय अभिक्रिया है, इससे बाद में आएगा आप लोगों के अभिक्रिया के संरक्षण के नियम। इस संरक्षण का नियम जो होता है उसके ऊपर आप लोगों के एक 3.5 नंबर के अंदर कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर एक 7.5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्यूमान इक्वेशन के पश्चात एक क्वेश्चन पूछता है कि इस अभिक्रिया के अंदर खाली स्थान को पूरा कीजिए। मतलब जैसे ये रिएक्शन मैंने लिखी थी ना, उसमें आप दो कणों का यूज कर रहे हो, एक प्रारंभिक नाभिक और एक आपतित नाभिक, और उसके बाद जो उत्पाद के रूप में भी आपको क्या मिल रहा है,
एक उत्पाद डॉटर नाभिक तथा उत्सर्जित कण मिल रहा है। इन चारों कणों के रूप में क्या लिखी हुई है, रिएक्शन लिखी हुई होगी, और उस रिएक्शन में क्या लिखा हुआ होता है, एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ होता है किसी भी एक पार्टिकल की जगह पे। और फिर पूछता है कि इस पार्टिकल, इस खाली जगह पे कौन सा कण आएगा या कौन सा नाभिक आएगा। तो उस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए जो नियम पढ़े जाते हैं वो कौन से होते हैं, अभिक्रिया के संरक्षण के नियम पढ़े जाएंगे। उन नियमों को अगर सही ढंग से समझ लोगे तो आप लोगों के वो जो 3.5 नंबर का पॉकेट का क्वेश्चन होता है जो सही ढंग से पढ़ लेता है उसके तो सही हो जाता है, और जिसको नियम याद नहीं रहेंगे वो तो फिर सही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। हाँ राहुल, कोई प्रॉब्लम है, बाद अनम्यूट हो रहे हो, अपने आप ही म्यूट हो रहे हो, तो बता दो कोई प्रॉब्लम है तो। सर प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन सर आपने जो पहले जो वीडियो बनाकर भेजे थे ना क्लासों के, वो तो सर पहले पता नहीं था कि वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि ग्रुप से जुड़े हुए नहीं थे तो वो तो देखे नहीं सर। वो कोई नहीं, धीरे धीरे देख लेना। स्टार्टिंग के अंदर तो बहुत छोटे छोटे वीडियो डाले हुए, उसके बाद में थोड़े सी 25 या 20 मिनट के, लेकिन अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं नोट बनाए हुए पीडीएफ के रूप में हरी जी को दिए हुए, जिसमें सब या फिर हरी जी जो नोट्स है ना वो आप लोगों को भेजेंगे आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, सभी ऐड हो जिसके अंदर, तो उसमें नोट्स में से देख लेना, और जो समझ नहीं आएगा तब आपने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी ना तब एक बार वापस रिवीजन करेंगे, तब आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड यूनिट का वापस बता देंगे, उसका कोई भी इशू नहीं है। ठीक है सर। ठीक है ना। तो अभी तक जितना पढ़ा रहे उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। उसमें कोई प्रॉब्लम हो क्लास में साथ साथ में तो मेरे को बताते रहना, मैं आप लोगों को बताता रहूंगा कि कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। तो अभी जो कल वाला टॉपिक था उसको आप ध्यान रखना, एक तो उसमें नॉर्मल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा रेडियो धर्मी नाभिक जो है किस सीरीज में आ रहा है, एक तो उसके ऊपर नॉर्मली 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी वो सीरीज मेरे लिखी हुई पड़ी है कॉपी के अंदर, मैं आपको नोट्स दूंगा तब आप लोगों को अगर याद करनी हो सीरीज तो याद कर लेना। वैसे वो सीरीज इतनी लंबी है कि याद होगी नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि कभी भी उस सीरीज को आज तक एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना हो तो उस सीरीज को देख लेना। ठीक है ना। ये Vivo 5 Pro 15 Pro किस, ये किसका मोबाइल है, इसका नाम क्या है?